हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू प्रैक्टिस मार्केट सीन विद बॉल पॉइंट पेन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट हमारे पास है दोस्तों कार्ट्रेज, और पेन से स्टार्टिंग करेंगे बॉल पॉइंट पेन के साथ। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको कोई काम शुरू करना है या जब भी आप अपनी रफली प्रैक्टिस शुरू करते हैं किसी भी कॉम्पोजिशन को बनाने की, तो आप उसको रफली जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से शुरू कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ अपने फिगर ड्राइंग से, और चीज़ों में बस यहाँ पर जो है मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि मुझे कोई ना कोई फिगर ड्राइंग उसमें बनानी है, एंड देन एक एनवायरनमेंट को वहाँ पर क्रिएट करना है। तो कई बार होता क्या है चीज़ें दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले तो आप हेल्पिंग लाइंस लेते थे किसी भी कॉम्पोजिशन को बनाने के लिए, लेकिन अब आप डायरेक्टली भी अपना फिगर ड्राइंग से काम शुरू कर सकते हैं और अपनी कॉम्पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा ब्लर अभी आ रहा है क्योंकि फोकस नहीं बन पा रहा है, बट हाँ हम जो है अपने स्टार्टिंग एक फिगर से कर रहे हैं, एंड फिगर के बाद जब इसमें सारे हम फिगर्स बना लेंगे, देन उसके बाद हम इसमें बिल्डिंग्स एंड बाकी चीज़ों को शेप देना शुरू करेंगे। तो बॉल पॉइंट पेन है दोस्तों, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि चीज़ें यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा बिगड़े ना, शेप आपके फिगर की ज़्यादा ख़राब ना हो, तो आप चीज़ें थोड़ा सा देख संभल के बनाएं। तो जो मेरा बिगनर दोस्त है, मेरा उनसे यही एक सजेशन है कि आप जब भी बॉल पॉइंट पेन स्केचिंग करते हैं या बॉल पॉइंट पेन से आप अपनी कॉम्पोजिशन को अटेम्प्ट करते हैं, तो थोड़ा सा बस आइडिया सही तरीके से लेते हुए चलें। स्क्रबलिंग के दौरान भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हाथों की मूवमेंट और रेफरेंस लाइंस का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है चीज़ों को यहाँ पर अपनी बनाते हुए चल रहे हैं। आसपास के जो फिगर्स हैं, जो सराउंडिंग है, तो बेसिकली मैंने दोस्तों एक दिल्ली का ही सीन उठाया है, एक फ़ोटोग्राफी को मैंने जो है यहाँ पिक किया है। तो हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखना है कि जो मार्केट सीन है, किसी पर्टिकुलर शॉप को आपको बनाना है, चाहे वो कपड़ों की हो, मिठाइयों की हो, जूतों की हो, तो उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आप एक फ़ोटो को उठा करके काम करेंगे तो चीज़ें जो है ज़्यादा बेहतर आपके सामने बन सकती है, सो डैट आपको आइडियाज दोस्तों अच्छा मिल जाता है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको यही समझाया था कि आप हमेशा फ़ोटोज़ और अपने आप को एक्सप्लोर ज़रूर करें, जो भी कॉम्पोजिशन आपको बनानी है उस चीज़ के पास जा करके और वहाँ पर जो है उसकी फ़ोटोज जो है ज़रूर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगरों से हमने जो है अपना काम शुरू किया है, और यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि हमने पहले बिल्डिंग बनाई हो या बाकी सब चीज़ें हम जो है बना रहे हैं। ये दूसरा टाइप आपका जो है दोस्तों, जिस तरीके से आप कॉम्पोजिशन को बनाते हैं, और देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ हमने स्टिक का भी यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली हम जो है फिगरों को अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कुछ बिगिनर दोस्तों को ये लगता होगा कि फिगर ड्राइंग जो हम करें तो डायरेक्टली अटैम्प्ट कर पाएँ विद क्लोदिंग। तो डायरेक्टली भी दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है, एकदम से कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लोदिंग फिगर्स की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो हम बाकी चीज़ें किस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब यहाँ ऑटो हम जो है एक और बना लेते हैं। बस बेसिक शेप्स को कभी नहीं भूलना है, प्रोपोर्शनेट हमेशा जो है चीज़ों को रखना है। चीज़ों को जितना प्रोपोर्शनेट रखेंगे और जितना बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों आर्ट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करके चलना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी आर्ट हो सकता है कि दिखने में वो चीज़ गड़बड़ लगे या फिर बेकार लगे। बैलेंस है, हारमनी है, वैल्यू है, लाइंस हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है मेंटेन करते हुए चलनी पड़ती है अपनी कॉम्पोजिशन में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे सामने यहाँ पर हमारा एक रिज़ल्ट जो है किस तरीके से निकल रहा है। तो मैंने आज दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोशिश की है दिखाने की कि किस तरीके से आप लोग अपना घर पे बैठे, आजकल के दिनों में लॉकडाउन लगा हुआ है दोस्तों, तो प्रैक्टिस जो अच्छे तरीके से अपनी घर पे करें, पूरे दिन को यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से करें दोस्तों। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेने के बाद अपनी जो है चीज़ें जब आप आर्ट की शुरू करें, तो जो आपको सबसे पहले ईजी लगता है पहले उससे आप दोस्तों शुरू करें, देन उसके बाद धीरे धीरे अपनी डिफ़िकल्ट चीज़ों को करना शुरू करें, क्योंकि जिससे आप आसान शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा एक हौसला, एक करेज मिलती है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को बैलेंस करना शुरू करें। पूरा दिन अपना फिगर ड्राइंग में, कॉम्पोजिशन में और वैल्यू में, शेड्स में, इन सब चीज़ों में अपना टाइम निकालें अच्छे तरीके से। फिर लास्ट में जाके दोपहर के बाद जब आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है बेसिक्स में, तो फिर अपना जो है मेन काम को पेंटिंग शुरू कर सकते हैं, कोई आपने चीज़ उठाई हो उसको आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि चीज़ जो है बढ़िया बनी रहती है, पूरे दिन का आपका शेड्यूल फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये चीज़ बना ली है। अब इसी तरीके से जो दूर के फिगर हैं उनको इस तरीके से छोटा छोटा हम दिखाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि एक जो हल्का सा गेटअप आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक फील इसमें जो हल्का सा आ गया है कि एक रोड का बेसिकली हमने एक सीन दिखाया है और किस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें हमने बनाई हैं।
धीरे धीरे अपनी तरफ से चीज़ें यहाँ मैं दोस्तों अपनी तरफ से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटी सी स्टॉल है एंड उसके आसपास आप शेड कर सकते हैं, ह्यूमन फिगर्स को बना सकते हैं, सराउंडिंग को शो करने का दोस्तों अपना ही सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी चीज़ों को इसमें ऐड करना शुरू कर दीजिए और चीज़ें अच्छे तरीके से पेश कीजिए। तो यहाँ पर भी हम हल्का हल्के फिगर दिखा देंगे और यहाँ पर भी ये हल्का शेडो हो गया। अब यहाँ पर वर्टिकल लाइन का देखिए दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब जो है हम अपना जो बिल्डिंग वाला एरिया उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं कि जिस तरीके से आपकी लाइनों की भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको रिजल्ट भी जो है अच्छा मिल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम चीज़ें दोस्तों ऐड कर देते हैं, वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। सीट को इस तरीके से टेढ़ा करके अपना खिड़कियाँ और बाकी सब लाइन्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने दोस्तों बेसिकली एक आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया है कि बिल्डिंगों को ज़रूरी नहीं है हर एक पैटर्न को आप बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा बनाएं, आप बस लाइनें जो है वहाँ पर खींच लीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक फील अपने आप उसमें आना शुरू हो जाता है। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या करा, वर्टिकल लाइनों को इस तरीके से ड्रॉ करना शुरू कर दिया, बस पीछे जाते हुए उनको छोटा कर दिया है सो डैट वो अपने आप जो है एक लुक आपको दे देगी। सेम काम आप यहाँ पर कीजिए साइड में, आप देख भी सकते हैं दोस्तों वर्टिकल लाइनों के छोटे हो जाने से और वर्टिकल लाइन के आ जाने से किस तरीके का एक इम्पैक्ट हमारी कंपोजिशन के अंदर पड़ा है। तो ये एक जो था यूनिक और एक बढ़िया चीज़ है मेरे बिगिनर दोस्तों के सीखने के लिए कि किस तरीके से अपने कंपोजिशन की प्रैक्टिस में आप अपना टाइम अपनी चीज़ों को किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे उनको जो है बढ़िया दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे इसमें जो है बाकी सब चीज़ें भी आप ऐड करते रहिए और देख सकते हैं आप जो एक गली वाला फील है या एक जो रोड वाला फील है वो इसमें ऑटोमेटिक आ गया है कि ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, लोग बाग चल रहे हैं रोडों पे और यहाँ पर हम जो है वर्टिकल इस तरीके से पैन को चला रहे हैं, तो फिर जो एक बिल्डिंग वाला फील है वो भी यहाँ पर आ गया है। और ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरसेक्ट जो है लाइनों को कर रहा हो तो ये बेकार रहेगा, नहीं, ये आप एक अपनी रफली प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें कि आप अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको किस तरीके से और कितने डिफरेंट एंगल पे बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये अटेम्प्ट कर लिया, अब इसमें बाकी सब चीज़ें भी ऐड करनी शुरू कर दीजिए और भी ह्यूमन फिगर्स आप अटैच कर सकते हैं, साइड का स्पेस हमारा इतना सारा।
ऐड कर देने का, एकदम होता ना थोड़ा सा आर्टिस्टिक तरीके से चीज़ों को दिखाना, तो ऐसा मन कर रहा है कि बस यहाँ पर आप जो है आप चीज़ें अपनी बस फिगर ड्राइंग ही अटैम्प्ट करें और बाकी सब चीज़ों को वाइट पीछे बैकग्राउंड में रहने दें। आप दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बिल्डिंगों का इफेक्ट है और वर्टिकल लाइंस यहाँ पर जो एक आर्किटेक्चरल चीज़ों को शो कर रही है वो कितना यूनिक और अपने आप में इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में ही। तो अब जो ये बचा हुआ एरिया है दोस्तों, इसको मैं कोशिश करूँगा कि फिगर ड्राइंग के थ्रू ही सारा एरिया अच्छे से कम्प्लीट करूँ, एंड देन उसके बाद आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके की आपको ये वीडियो लगी, कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया काम ला के आपके सामने दिखाऊँ, ये मेरा मन करता है, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार की वजह से ही हम जो है चीज़ों को और ज़्यादा यूनिक और बढ़िया जो है कर सकते हैं, एक दूसरे के डाउट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कैसी आपको वीडियो लगती है। और ये देखिए इस तरीके से हमने जो है एक और साइड फिगर बना लिया है। तो बेसिक नीचे छोटे मोटे चीज़ें रखूँगी आप अपनी तरफ से इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कॉम्पोजिशन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।